राजस्थान सरकार द्वारा कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन की तिथि से पहले का होना चाहिए या बाद का होना चाहिए, इस स्थिति को क्लियर किया गया है और इस भ्रम को दूर कर दिया गया है। पुराना आदेश क्या था कार्मिक विभाग का जिसके कारण समस्या पैदा हुई, और नया आदेश कौन सा है जिसके कारण यह समस्या खत्म हो गई, इन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। मैं साराठ, नमस्कार, स्वीकार करें, अपना महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके भी ये बिंदु क्लियर हो जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को बताने में आप सक्षम हो जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो कौन सा आदेश है? राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा P-71 कार्मिक K2 2019 जो प्रथम आदेश प्रसारित हुआ था वो हुआ था दिनांक 20/1/22 को, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि प्रत्येक वर्ग चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बहुत से कैंडिडेट के पास प्रमाण पत्र नहीं था तो स्थिति पैदा हुई, समस्या पैदा हुई। अब जो आदेश आया है कब आया है? कार्मिक विभाग के द्वारा 17/10/22 यानी 17 अक्टूबर 22 को एक नया आदेश आया है, और नया नहीं कह सकते, जो पुराना आदेश है उसमें परंतु जोड़ा गया यानी कुछ लाइनें और जोड़ी गई हैं जिससे प्रमाण पत्र की राजस्थान में समस्या जो है वो खत्म हो गई है। इस बात को अपने यहाँ क्लियर करेंगे। तो पहले जो पुराना कार्मिक विभाग का आदेश या परिपत्र है कब जारी हुआ था? 20 जनवरी 22 को जारी हुआ था। मैं इसका सारांश आपके सामने रख रहा हूं, उसी पत्र का सारांश जिसको आप समझ लें अच्छी तरह। तो जो पुराना आदेश था 20 जनवरी 22 का, उसमें क्या लिखा हुआ था आपके सामने है कि राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी वर्ग हैं इनके पास क्या होना चाहिए? राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी इस कैटेगरी के लिए राज्य सरकार के अधीन पदों पर आरक्षण मिलता है। उसके बाद अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, ये पुराने आदेश में लिखा है। यानी आवेदन भरने की अगर अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि माना कितनी है? 9 मार्च 22 है, माना पूर्व में 9 मार्च 22 थी, तो इससे पूर्व का, पहले का 8 मार्च या इससे पहले का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे, यह लिखा हुआ था। किसके पास? सभी वर्गों के पास जिनको आरक्षण मिलता है। तो आपने देखा पीछे जो भर्ती है, वीडियो की भर्ती थी, अब कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, पटवार भर्ती है, सब में समस्या पैदा हुई थी, लेकिन इस आदेश से ये समस्या खत्म हो गई। अब देखते हैं नए वाला आदेश, नया परिपत्र जो 17 अक्टूबर 22 को जारी हुआ है, इसमें परंतु यानी कौन सी परंतु? यानी ये ऊपर वाला आदेश तो है ही, कोशिश ये करनी है कि हमारे पास सभी जो प्रमाण पत्र हैं वो तिथि के पहले के ही हों। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे बाद में बनाने लग जाएं, ये विशेष स्थिति है। अगर किन्हीं कारणों से आप बना नहीं पाते हैं तो आपको क्या छूट है? 17 अक्टूबर 22 का जो परिपत्र है उसमें क्या जोड़ा गया है? मैंने वही लाइनें लिखी हैं जो आदेश में है, आप आदेश को देख सकते हैं। इस आदेश में देखें, यदि किन्हीं कारणों से यानी आपके पास पहले का होना चाहिए लेकिन परंतु किन्हीं कारणों से, यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, यदि किन्हीं कारणों से आप प्रमाण पत्र उस तिथि का नहीं प्रस्तुत कर पाए
तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र किन्हीं कारणों से प्रस्तुत करते हैं तो क्या होगा, क्या छूट मिली आपको? तो ऐसे अभ्यर्थी, कैसे? जिन्होंने बाद का प्रमाण पत्र दिया है, ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग कौन सा है? संबंधित वर्ग जिसमें आप हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी, तो यानी संबंधित वर्ग जिस वर्ग में आप हैं, संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, इस आशय का एक शपथ पत्र उससे लिखवाया जाए। स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग, जो भी आपका वर्ग है, संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। और ये श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। अब आप शपथ पत्र क्या लिखेंगे? मानो अंतिम तिथि 9/3/22 थी आवेदन करने की किसी परीक्षा की, तो आप शपथ पत्र में लिखेंगे, जो मेरी स्थिति 9 मार्च 22 को थी, यानी मैं ईडब्ल्यूएस वर्ग में था और मेरी आय नहीं बढ़ी है, मैं उसी वर्ग में आज भी हूं, उसी वर्ग में आज भी हूं। ये आप तहसील से वसीका नवीस आपको शपथ पत्र लिख के दे देगा इस आशय का, जिस वर्ग में मैं आवेदन से पूर्व था और जो प्रमाण पत्र मेरा पहले का बना हुआ है, जो मैंने नया बनाया है, दोनों एक ही वर्ग के, उसी वर्ग में पहले था, उसी में आज हूं, इसलिए मेरी पात्रता पे कोई अंतर नहीं आया है, अतः मेरा जो आवेदन है उसको स्वीकार किया जाए और मुझे भर्ती में भी शामिल किया जाए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि सारी समस्या इस आदेश से हल हो गई है। और कितने समय तक जो है एफिडेविट हम लगा सकते हैं एससी एसटी ओबीसी, इसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें। यदि ये प्रयास उपयोगी लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद, थैंक्स।